दुआ में याद रखना। सपा विधायक इरफान सोलंकी का आज फैसला होना था, लेकिन चूंकि पीठासीन अधिकारी नहीं आए थे आज, इस वजह से आज फैसला तो नहीं हो पाएगा एमपीएमएलई कोर्ट में। लेकिन यहां पर इरफान सोलंकी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दो ऐसी कोर्ट थी जिसमें कि मामला चल रहा था। पहला एमपीएमएलई कोर्ट थी जिसमें सीधे सीधे फैसला आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन चूँकि पीठासीन अधिकारी नहीं थे इस वजह से नहीं आ पाया फैसला। और दूसरी तरफ एक और जो आचार संहिता वाला मामला चल रहा था वो लोअर कोर्ट में चलना था, और लोअर कोर्ट में चलने की वजह से उस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अगर अभी की हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि लोअर कोर्ट में भी डेट पड़ जाएगी, और चूंकि एमपीएमएलए कोर्ट में भी अधिकारी नहीं आए हैं इस वजह से उसमें भी डेट पड़ने की पूरी संभावना है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में फैसला कब तक आता है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी गारद है वो इरफान सोलंकी को लेकर यहाँ पर पहुँच चुकी है। और चूंकि इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाया जाता है इस वजह से काफ़ी समय लगता है, पूरा अगर हम कानपुर से बात करें तो तकरीबन 8 घंटे के आसपास का समय लगता है। और इसीलिए यहाँ पर उसको अभी इरफान सोलंकी को जो लाया गया है वो अभी अभी जस्ट यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इरफान सोलंकी वाले मामले में डेट क्या पड़ती है फैसले के लिए भी, और आचार संहिता वाला जो मामला है उसमें सुनवाई के लिए भी। फिलहाल यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि लगातार सुरक्षा कारणों को लेकर जब जब इरफान सोलंकी को यहाँ पर लाया जाता था तब तब यहाँ पर उस जो जब जब लाया जाता था तब तक यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रहती थी, और इस समय भी यही देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं पुलिस की, इसी में इरफान सोलंकी को लाया गया है। और अब इरफान सोलंकी को यहाँ से उतार कर सबसे पहले, जैसा कि उम्मीद है, लोअर कोर्ट जिसमें कि आचार संहिता वाला मामला चल रहा है उसमें ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर वहां से जो एमपीएमएलए कोर्ट है उसमें भी लेके जाया जाएगा। अब इससे पहले रिजवान सोलंकी यहां पर पेशी पे आए थे, और उसके बाद रिजवान सोलंकी के साथ जो अन्य आरोपी हैं वो भी यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल यहां पर इरफान आ गए। इरफान कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे। तो इरफान सोलंकी है जो यहाँ पर आए और उसको अंदर ले गए हैं, और फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि दुआओं में याद रखना। और उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि जो फैसला आने वाला है उसको लेकर वो भी काफ़ी सारी चिंता में हैं। लेकिन अब चूंकि ये माना जा सकता है कि आज इस पूरे मामले में फैसला नहीं आएगा, अब फैसला कब आता है और कब इरफान सोलंकी की किस्मत का फैसला होता है ये तभी पता चलेगा जब अगले डेट पड़ेगी, और उस डेट में कोर्ट का फैसला आएगा। कैमरामैन अनिल के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।